अस्सलाम वालेकुम जी। सो टुनाइट्स द बिग नाइट, मेरे पास तुम हो का फिनाले। आमना कैसी हैं आप? हसन कुछ ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं आप मुझे। अच्छा थियरी बताएं, आप छोड़ें ये सारी बातें। मुझे कह रही ओवर एक्साइटेड लग रहा हूँ। छोड़ें आप थियरी बताएं, आपकी तरफ से एंडिंग क्या होगी? नहीं मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहूँगा। अभी इतना करीब आके कुएं के तो डोल डाल के ही पानी निकालते हैं ना, छलांग लगाने का क्या फायदा। तेज है, आपको पता ही, जब तक ये एयर होगा उस वक्त तक एंडिंग हो चुकी होगी। हाँ हम अभी गए नहीं है अंदर जी। अभी हम जाने लगे हैं जहाँ पे रेड कार्पेट हो रहा है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आना शुरू हो गए। हमने एक दो स्पॉट किए हैं, ऊपर चल के और सेलिब्रिटी से मिलते हैं। मेरे पास तुमों की तो लीड कास्ट तो ऑब्वियसली होगी सारे जी, जी जी उम्मीद है। तो ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है, आपको भी सैर कराते हैं। कोशिश करेंगे कि आयजा खान से, जिनसे हमारी बात नहीं हुई थी उस दिन, उनसे हम बात करें। और क्या लगता है आपको कि आज एक मिनी रिव्यू हो जाए एपिसोड देखने के बाद? मेरे ख्याल है ज़रूरी है आज स्पेशल, मेरे पास तुम हो, समथिंग हॉट वीकेंड इन रिव्यू, वीकेंड रिव्यू का स्पेशल एपिसोड ये समझ लें कि है। जैसे ही एपिसोड ख़त्म होगा मैं और आमना आपसे दोबारा रابطہ करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगा हमें ये। लोगों से भी पूछेंगे, कुछ लोग जो बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि हमें हुमायूं ने ये कहा था कि यू आर गोइंग टू क्राई बकेट्स, तो मैं टिश्यू वगैरह लेके आई हूँ वैसे साथ, क्योंकि मैं तो आपको पता है नीमो देख के भी रोई थी। ऊपर रश और शोर बड़ा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि लोगों के ओपिनियंस भी लें। तो चलें आए आपको चल के दिखाते हैं कि अंदर का। आप लोगों ने देखा कि इस वक्त एक तूफान सा मचा हुआ और आमना को धक्के पड़ रहे हैं। आमना धक्के नहीं पड़े, आपने कुछ कहा मुझे धक्के पड़े। मैंने कहा ये लोग धक्के क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूरी कास्ट पीछे है एक्साइटमेंट में। मैंने एक्साइटमेंट में और सिनेमा वालों को पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे सिनेमा को थोड़ी ऑक्सीजन लग गई है थोड़ी देर के लिए, तो दिस ग्रेट, बड़ी खुशी की बात है। और मेरे पास तुम्हों की जो एडवांस बुकिंग्स है, उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स और इवन फास्ट एंड फ्यूरियस भी, उससे भी ज़्यादा बिजनेस किया है यार, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है और मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी कास्ट मेंबर से भी बात कर पाएंगे, और करने का फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि हमने सारी बातें तो कर ली हैं उनसे ड्रामे से पहले। क्या बात करेंगे, वो बताएंगे तो नहीं हमें। तो मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं, हम बड़े एक्साइटेड हैं, एपिसोड देखने के बाद आपसे बात करते हैं। ऑलराइट जैसे कि आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा है मैं बिल्कुल भी इस वक्त खुश नहीं हूँ एंडिंग देख के। नहीं लेकिन हसन आप तो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि रूमी मारेगा, तो शुक्र है कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हुई है। लेकिन बहरहाल दिस इज़ अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट एपिसोड ऑफ मेरे पास तुम हो, एंड इन अ नटशेल आई वुड से दैट द एपिसोड आई फेल्ट वाज डिसअपॉइंटिंग, इन द सेंस कि मुझे लगता है कि जो मैजिकल मोमेंट्स हैं ना वो आखिरी एपिसोड में बहुत कम थे। बहरहाल जो एंडिंग थी, और ऑब्वियसली ये स्पॉयलर है, अगर आपने आखिरी एपिसोड नहीं देखी तो ये मत सुनिएगा, लेकिन स्पॉयलर ये है और मेरा तज़िया ये है कि एंडिंग बिल्कुल सही हुई है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर हार्ट ब्रोकन कि ओ हो मार क्यों दिया। मैं भी ये कहती रही कि दानिश को मारेंगे तो ऐसे थोड़ी लोग मर जाते हैं, बट द वे इट प्लेड अप टू हिज डेथ, देयर वाज नो अदर वे। जितनी शिद्दत से उसने इश्क किया था महविश के साथ, व्हाट अल्टरनेटिव वाज देयर? अब किसी और औरत के पास भी जा नहीं सकता था, उसको वापस ले नहीं सकता था, दिल तो टूटना था उसका। मुझे कुछ टाइम चाहिए अपनी थॉट्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, लेकिन दो एंडिंग्स, दो कंक्लूजन्स है ना, दो मतलब प्लॉट पॉइंट्स हैं। एक शहवार और माम का प्लॉट पॉइंट है, उसकी एक कंक्लूजन हुई जो कि उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दी। और कुछ अर्से पहले हम इश्क ज़े नसीब को लेके ये डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे ओपन एंड कंक्लूजन्स होती हैं कई कई ड्रामों में, जो ऑडियंस की परसेप्शन पे छोड़ देना चाहिए। दिस इज अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी विल गेट सर इधर है। वाह
did you kill Danish? क्या करता? नहीं आपने बिल्कुल सही किया। क्योंकि वो उसका एक डायलॉग है कि जब एक आदमी ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की हो तो क्या किसी और के लिए कुछ बचता है उसके पास? तो नहीं बचा। और द फैक्ट कि आपने शहवार और माहम की जो प्लॉट पॉइंट है उसको आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया ऑडियंस की परसेप्शन के लिए। या शी डिडंट फॉरगिव हिम एंड ही केप्ट आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस एंड ही वाज अशेम्ड ऑफ व्हाट ही डिड। सो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा एंड है जो कंप्लीट करता है इस कहानी के हर पर्सपेक्टिव को जिसके ऊपर इतने अरसे बात होती रही। अच्छा मुझे बताएं, आपने हमारी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में कहा था कि आपकी काफ़ी बैक एंड फोर्थ आर्गूमेंट होती रहती है खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ, तो ये जो जो क्लाइमेक्स है जिसमें दानिश को आपने मरवा दिया, इसके ऊपर कोई डिबेट हुई थी या कंसेंसस था सबका, हुमायूं का, आपका, खलील साहब का, कि यार दानिश शुड गो? खलील साहब डिडंट वांट इट बट वी डिड एंड उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई और काफ़ी देर के बाद ये सीन लिखा गया। अच्छा नदीम, डिड यू डिलिबरेटली लीव द माहम एंड शवार सिनेरियो ओपन एंडेड और वी टुक व्हाट डू वी डिड्यूस फ्रॉम इट, कि वो वापस आ गया है नहीं आया? दैट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग। आई थिंक इट डजंट मैटर एनी मोर। यस इट इज़ ओपन एंडेड, या लेकिन इट्स अप टू पीपल्स परसेप्शन कि वो जो उससे समझना चाहें समझ सकते हैं। समझ आई वो यही थी कि इतनी बड़ी सज़ा महविश को मिल गई, मेरा नहीं ख्याल इतनी जायज़ थी। लेकिन अगर दानिश के तौर पे देखें, जिस तरह उसने इश्क किया था, वो दिल तो टूटना था उसका ऐसे, मतलब देयर वाज नो अदर वे फॉर हिम। उसके दिल में मेरा ख्याल है किसी और के लिए कोई जगह थी ही नहीं सिवाय महविश के, और इसलिए उस दिल को टूटना ही था। अच्छा सर, अब बहुत सारे लोग आपको इस बात पर शायद क्वेश्चन करें कि महविश को तो आपने इतनी बड़ी सज़ा दे दी, शहवार को शायद आपने उतनी बड़ी सज़ा नहीं दी। आई थिंक तो वही वाली सॉरी बात आ जाएगी कि जी औरत को तो बड़ी सज़ा मिलती है, मर्द को इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती। नहीं नहीं वो बात नहीं आएगी। आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि वो चूंकि उसके साथ ये हुआ तो उसके साथ भी इक्वली बुरा होना चाहिए। नहीं वो भी इक्वली बुरा है। इट्स अबाउट फॉरगिवनेस। ही डाइड बट इट्स अबाउट फॉरगिवनेस। नन फॉरगिव द अदर पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस मेरे पास तुम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड लाइकिंग इट। थैंक यू सर। Hello. Hello. How are you doing? You know, Hasan Good. Thought that you were going to die. Bad. Why? People पीछे ही पड़ रहे हैं मेरे। तो ये तो खुशी की बात नहीं। Now you're an even bigger star, यार। मेरे पास आके बैठ जाते हैं ना। That's the problem. अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ। अब तो खत्म हो गया सारे spoilers जो आपको tension दी आपने अपने छोटे से दिल के अंदर जो छुपा के रखे हुए थे। अभी तक देखा नहीं है। अच्छा नहीं, जब तक हमारी वीडियो जाएगी तब तक होपफुली वो देख चुकेंगे और हमने लिख दिया स्पॉइलर अलर्ट, तो यू कैन टॉक अबाउट इट। मुझे ये बताओ, आर यू फीलिंग अ बिट रिलीव्ड आल्सो नाउ? तो अभी 1 month या 2 months के फिर भी पीछे पड़े लेंगे पीपल, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो दैट्स गुड ना, दैट्स गुड। या अच्छा मुझे बताओ, ये जो इतना बड़ा अब एंड में शॉक लगा सारी ऑडियंस को, रूमीज डैड दानिश यू नो ही डाइज, तो तुम्हें पर्सनली एंडिंग सही लगी? यू थिंक ये ऐसे ही होना चाहिए? सही है। एनी क्वेश्चंस दैट यू सही है जी? नहीं जी, आई थिंक ही डिजर्व्स अ ब्रेक नाउ। रूमी डिजर्व्स अ ब्रेक, राइट? या एंड अ हॉलिडे एंड अ बिग वेकेशन। थैंक यू शीज फॉर बीइंग सो स्वीट एंड सो काइंड एंड यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। होपफुली वी विल सी यू कंटिन्यू टू सी यू ऑन द स्क्रीन। ओके टेक केयर मैन। तो हाँ जी, हम सॉरी हम अपनी रिव्यू कर रहे थे जी। मेरा ख्याल है कि जो माहम का और शवार का ट्रैक था उसमें उन्होंने फिर वही दिखाया कि शवार को थोड़ी सी माफ़ी, वो कहती है, वो कि वो कह रही कि मैं दूंगी नहीं। वो इतना कंफ्यूजिंग सारा सीक्वेंस था कि मैं माफ़ी भी नहीं दूंगी, चेयरमैन भी नहीं बनाऊंगी, लेकिन छोड़ूंगी भी नहीं, टिफ़िन भी नहीं दूंगी ज़बरदस्ती, तो फिर क्या करना चाहती हो, क्या करोगी? नहीं आपको कन्फ्यूजिंग क्यों लगा? वो मेरे तो हिसाब से बड़ा क्लियर था कि ऑब्वियसली उसको प्यार तो है अभी भी शहवार के साथ, बट वो माफ़ नहीं कर सकती। नहीं तो माफ़ कर दे फिर। नहीं ये क्या ब्लैक एंड वाइट हो कि अगर प्यार है तो बस वो माफ़ कर दे? नहीं तो फिर जाने दे उसको, फिर साथ कैसे रह सकती है? फिर आदत है ना, वो ही इज़ अ हैबिट दैट शी कांट लेट गो ऑफ। तो इस सेंस में दिखाया उसको कमज़ोर है फिर, लेकिन फिर जितना कमज़ोर दानिश को कमज़ोरी स्ट्रेंथ, आई थिंक इट वॉज गुड। अच्छा मैसेजेस वर वेरी गुड। कमिंग टू द मेन कंक्लूजन, दानिश की डेथ, मुझे ये बताएं क्या महविश, हालांकि मैं सबसे बड़ा इस बात का क्या कहते हैं उसको वो रहा हूँ, प्रोपोनेंट रहा हूँ कि जी
महविश को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से महविश को इतनी बड़ी सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए थी कि वो आप पूरी ज़िंदगी गिल्ट में रहे। रूमी उससे कभी माफ़ नहीं करेगा, रूमी विल ऑलवेज हेट दम। रूमी ने माफ़ कर दिया है, ये भी ओपन एंडेड है ना, ये आप समझ रहे हैं कि रूमी माफ़ नहीं कर। मुझे ऐसा लगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल बिकॉज रूमी ने थोड़ा सा ये भी कहा है कि आई एम सॉरी मैंने आपको पुश किया कि आप जाओ मामा को मिलो, तो ही इज़ ऑल्सो टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात है कि दानिश वॉज नॉट एन एवरेज मैन, एज समबडी एज हु लव्ड दिस वुमन ही वॉज नॉट एन एवरेज मैन। इतना इश्क तो कोई बंदा नहीं करता, मतलब कि वो एलिवेटेड किस्म का इश्क था ना। नेक्स्ट एवरेज की जगह मेरे ख्याल में ऑर्डिनरी कह लें, मतलब ऑर्डिनरी लव नहीं था उसका, इट वॉज बियॉन्ड ऑर्डिनरी लव। तो मतलब है कि सही है ऐसे। हाँ हाँ, आप एंडिंग से खुश हैं? देखें ये दिस इज, ये तो हिस्ट्री लिखी गई है ऐसे इश्कों से, रोमियो जूलियट है या हीर रांझा है या सोनी माहिवाल है, मतलब है कि फिर जो फोकलोर बनता है और आइकॉनिक स्टोरीज होती हैं उसमें ट्रेजेडी, यूजुअली लव स्टोरी इज ऑलवेज अ ट्रेजेडी। वैसे भी जब तक हीरो मर ना जाए वो अमर नहीं होता, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना भी नहीं ये प्यार अमर हुआ फिर जी। बट वेल राउंडेड कंक्लूजन एटलीस्ट हमें है कि जितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, इवन दो अगर उन्होंने ओपन एंडेड भी छोड़ दिया है, तो दिस इज एन एंडिंग दैट वी कैन डाइजेस्ट एज ऑडियंस। एब्सोल्युटली, जिस तरह आप कह रहे थे और श्योर थे कि रूमी मरेगा, दैट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। एक्सीडेंट में मरना वुड हैव बीन अ डिजास्टर। आई थिंक जिस तरीके से वो गया है कि लिटरली उसका दिल टूट गया है, दिल टूट गया kind of वो पोएटिक जस्टिस जो हम कहते हैं जी, कि वो महबूबा के दर पे दिल टूट के, देवदास वाली मुझे भाई भाई थोड़ी। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी, लेट्स से इट्स अ लव स्टोरी एट स्कोर वी ये लो। आई जी आप देख लिया आप लोगों ने, सुकून मिल गया आपको। आई बीच में नहीं बचा सका, कोशिश करके भी। क्यों मेरे, आप तो एडी भी है ना प्रोजेक्ट पे, बताएं कितनी इस बात पे आर्गुमेंट हुई है कि दानिश को मारना या बचाना? अच्छा, हमेशा से पता था कि दानिश को मारना, ये बात हमेशा से कंफर्म थी कि उसने मरना है। मरना कैसे वो एक क्वेश्चन था, लेकिन मरना तो हमेशा से था, उससे हमें पता था स्टार्ट से ही कि उसने मरना है। एक्चुअली वो उसी दिन मर गया था जिस दिन वो छोड़ के गई थी। द होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि ही कांट लिव विदाउट हर, और बाकी सब कुछ वो जो कर रहा था वो अपने बच्चे को स्टेबल करने के लिए कर रहा था, बिकॉज सेल्फिश नहीं था वो, दैट्स इट। बाकी उसको चुप लग गई थी, वो 12 एपिसोड के बाद बोला कहाँ है। एज अ व्यूअर हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द एंडिंग? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और तुम्हारे हिसाब से वो शेवार और माम वाले कैरेक्टर का क्या हुआ, उनका प्लॉट पॉइंट क्या हुआ? ओपन एंडेड छोड़ी है विच इज़ ग्रेट, बट तुम्हारे हिसाब से क्या? उसने वही किया जो कोई भी औरत करती, कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ शायद वन ईयर डाउन द लेन, बट वो नहीं कर सकती। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल सीन जहाँ से वो बोलती है कि तुम चाहो तो टिफ़िन की माफ वो भी कर दूँगी, तुम चाहो तो ये भी कर दूँगी, बट वो नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। सेम गोज विद दानिश, उसने भी कहा कि मैं ये भी कर लेता वो भी कर लेता, बट मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, विच इज़ बेसिकली द एसेंस ऑफ द प्ले, कि किसी के मरने से पहले तक आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज ऑलरेडी ज़िंदगी बहुत छोटी है। ठीक, थैंक यू वेरी मच मुसद्दिक फॉर गिविंग अस सच अ ब्रिलियंट प्ले, फॉर ऑल योर एफर्ट एंड हार्ड वर्क दैट यू पुट इनटू इट, एंड स्पेशली योर लास्ट सीन विद हुमायूं वाज आल्सो स्पेक्टेक्युलर, वेल डन। थैंक यू सो मच। वी शुड गेट टुगेदर एंड क्वेश्चन यू अबाउट अलिफ, बिकॉज़ या प्लीज डू दैट, बिकॉज़ आई हैव सो मच स्टफ टू टॉक अबाउट अलिफ। आई लव अलिफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड आई बिलीव अलिफ जैसा प्ले मेरे पास तुम हो जैसा तो फिर भी शायद बन जाए, लेकिन अलिफ जैसा प्ले शायद 10 सालों में भी ना बन सके, बिकॉज दैट नॉन लीनियर कटिंग विच आई पर्सनली एज अ डायरेक्टर लव, वो किसी ने अभी तक नहीं किया, जो उन्होंने किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्लीज़ अलिफ देखें और देखते रहें और यूट्यूब पे देखें, जिधर भी देखना है प्लीज़ अलिफ को फॉलो करें, एंड थैंक यू सो मच। रैपिंग अप, आई थिंक जितना मैं अपसेट और सैड हूँ और डिसअपॉइंटेड हूँ इस वक्त के दानिश को मार दिया उन्होंने, बट वॉट यू सेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस लॉजिकली आई थिंक, क्योंकि मैंने एक पॉइंट पे ये कहा था कि लॉजिकली और क्या कंक्लूजन होगी, महविश को मारना होगा उन्होंने, तो उन्होंने महविश को मारने के बजाय दानिश को ही मार। नहीं, अगर महविश को वो मारते तो फिर वो खलीलुर रहमान कमर ना होते, बिकॉज उसको नजात मिल जाती, फिर वो तो छूट जाती वो। नहीं, ये आपने कोई हिडन पॉइंट मारा जो मुझे समझ नहीं आया या मुझे आ गया समझ? नहीं, मैंने मारा है हिडन पॉइंट नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि उन्होंने एक औरत को जिसने बेवफाई की है उसको इतनी बड़ी सजा दी है that she can never get out of it, she can't even die now because uske support wo bachcha kar gaya hai, so she's not going to ditch the child and now commit suicide, or you know she can't afford to die now,
उसने ज़िंदा रहना है इस सोच के साथ कि उसने बेवफाई की, उसकी वजह से ये घर टूटा, इतने लोगों की बर्बादी हुई। मगर आई स्टिल थिंक कि जो शबार के आखिरी डायलॉग थे कि वो बेवफाई वो थी ऐसी, और जिस तरह उसने सारा ब्लेम उस पर डाल दिया कि वो बेवफाई ढूंढ रही थी, आई डोंट अग्री। अच्छा, मैंने अभी जो बेग साहब से एंड में एक बात पूछी है ना, आई थिंक ये अब आवाज़ उठेगी शायद, लोग बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कमेंट में भी हमें बताएंगे कि वो अग्री करते हैं इस बात से या नहीं अग्री करते। औरत को तो उन्होंने एक हैवी सज़ा दे दी चीटिंग की, मर्द जो है शवार उसको उतनी बड़ी सज़ा नहीं मिली जितनी मिली, तो ये आप क्या कहते हैं? नहीं, मगर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि जब शवार भी बात कर रहा होता तो ये कहता है कि तुम्हारे पास रूमी नहीं था, वो अपनी बीवी को कहता है। और इवन जब दानिश और महविश बात कर रहे होते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट रूमी। सो बेसिकली इट इज़ द चाइल्ड, मर्द को तो जो छोड़ा बेवफाई की वो अपनी जगह, मगर फिर उसने जो बच्चे को छोड़ा, दैट वॉज इट काइंड ऑफ एम्पलीफाइड इट, डबल इट, राइट? आप बेवफाई माफ़ कर सकते हैं, दुनिया माफ़ कर देगी बेवफाई शायद, लेकिन वो बच्चा कैसे माफ़ करेगा अपनी माँ की बेवफाई? तो महविश को आप ये कहना चाह रही हैं, इन एसेंस रूमी को छोड़ने की सज़ा मिल रही है इतनी बड़ी? That doesn't make sense to me. Combined, all of it. मतलब शी, उसको तो जिंदगी भर की सजा मिल गई अब। ठीक है, इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। आपने जैसे देखा यहाँ पे इतना कोई रश और वावेला है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ कि शायद हमें हुमायूं या आयजा स्पॉट हो जाएंगे कहीं पे, बड़ा मुश्किल है एक्चुअली वो निकल के आने की कोशिश। वो जा चुके हैं जी, तो हुमायूं और आयजा से क्योंकि हमारी शायद मुलाकात, मेरा नहीं ख्याल, अब तो वो होंगे भी यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे। एट वन पॉइंट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कम आउट, और इतना रश था कि उन्हें दे हैड टू गो बैक, और वो फिर पिछले दरवाजे से आई थिंक निकल गए हैं। कोई मसला नहीं है, हुमायूं को तो हम पकड़ लेंगे, आयजा को भी पकड़ने की कोशिश। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट ड्रामा सीरियल, इट वॉज अ ग्रेट स्टोरी, पूरी मुल्क ने देखा। आज मेरे ख्याल से सड़कें बंद हो गई थी, लोगों ने सब कुछ छोड़ के दे वर वॉचिंग द ड्रामा, एंड ग्रेट, ऐसे ड्रामे बनते रहे, इंडस्ट्री चलती रहे। जितना हमने यहाँ पे देखा है क्रेज़, जो लोगों का जो हजूम और जिस तरह से मॉब, हम खुद भी हुए हैं थोड़े से बीच में सारे उस चक्कर के अंदर, तो दैट वाज अमेजिंग। द फैक्ट कि एक ड्रामे ने इस तरह स्टर किए इमोशंस सारी ऑडियंस के, तो दैट्स अमेजिंग। अब और बड़े हम ज़रा सा अब्सॉर्ब करेंगे इस एपिसोड को, और मंडे को इंशाल्लाह जब वीकेंड इंटरव्यू करेंगे तो थोड़ा सा विल टच अपॉन इट अगेन, मगर आई थिंक हमने राउंड अप कर दिया जो हमारे फीलिंग्स से इमीजिएट। एक दो डायलॉग्स बड़े मज़े के थे, मुझे अब याद नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कहीं हमें मिलता है तो देखें। स्पेशली मेरा फेवरेट डायलॉग आई थिंक पूरे इस एपिसोड का वही था, जब वो दानिश महविश को कहता है कि भाई हो गया ना, तुमने बेवफाई कर दी, जाओ मूव ऑन नाउ, अब किसी और ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे पास वापस आओ। फॉर मी दैट सम्स इट अप, और ये मेरे हिसाब से परफेक्ट कंक्लूजन थी वो डायलॉग, और उसके हिसाब बात जो भी हुआ वो एक फिर डिस्प्यूटेड चीज़ है कि किसी को पसंद आएगी दानिश की मौत, किसी को नहीं आएगी। कमेंट्स में आप हमें बताएं, क्योंकि ये वीडियो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम चढ़ा दें, होपफुली आज रात को ही शायद हम चढ़ा दें, तो मंडे तक जब हम वीकेंड इंटरव्यू करेंगे तो आपके बहुत सारा अब्सॉर्ब कर चुके होंगे, तब तक आपका भी हमारे पास फीडबैक आ चुका होगा, हमें ये भी पता चल रहा होगा कि बाकी लोगों ने क्या कहा। तो आपने कमेंट्स नहीं रोकने, कमेंट्स आने दें और हमें बताएं कि हम आप क्या सोच रहे हैं कंक्लूजन के बारे में, ताकि मंडे को फिर हम आपके कमेंट्स को लेके एक मजे की डिस्कशन। मंडे को हम बात करेंगे कमेंट्स पे भी और परफॉर्मेंसेस पे, बिकॉज आई थॉट आयजा एंड हुमायूं नेल्ड द लास्ट सीक्वेंसेस, बट टॉक अबाउट इट ऑन मंडे, द वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग, वी हैव गॉट पीपल वेटिंग, एंड And we'll see you on Monday.